एक दिन हाथी के रास्ते में एक छोटा सा कछुआ आ गया। हाथी ये चिल्लाते हुए बोला कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। कछुआ बिल्कुल भी डरा नहीं और वही खड़ा रहा। हाथी को गुस्सा आया तो उसने कुचलने की कोशिश की, लेकिन वो कुचल नहीं पाया। कछुए ने कहा कि घमंड मत करो हाथी, मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये सुनकर हाथी हंसने लगा। कछुए ने हाथी को चैलेंज दिया कि अगर यकीन नहीं होता है तो मेरे पहाड़ पे आ जाओ, मैं वहाँ पे साबित कर लूंगा कि किसमें दम है। अगली ही सुबह कछुआ पहाड़ से उतरा और दौड़ के नदी के किनारे गया, जहाँ एक हिप्पोपोटामस खाना खा के पानी में वापस जा ही रहा था। कछुए ने कहा, मिस्टर हिप्पोपोटामस, चलो एक टग ऑफ वार खेलते हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि मैं आपके ही जितना स्ट्रांग हूँ। ये सुनते ही हिप्पो भी हंसने लग गया, लेकिन बाद में वो भी एग्री कर गया। कछुआ एक लंबी रस्सी लेकर आया और एक हिस्सा हिप्पो को पकड़ा के बोला कि जब भी मैं हे बोलूं तो तुम्हें रस्सी को खींचना है, पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। और दौड़ के पहाड़ पर गया और पहाड़ के दूसरे साइड जहां हाथी ऑलरेडी आ चुका था, उसने रस्सी का दूसरा हिस्सा हाथी को पकड़ा के बोला कि जब मैं हे बोलूं तो रस्सी खींचनी है, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। कछुआ दौड़ के पहाड़ के बीच रास्ते में खड़ा होकर जोर से हे चिल्लाता है। जैसे ही हे चिल्लाता है, हाथी और हिप्पो दोनों अपनी जगह से रस्सी को खींचना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाता। हाथी और हिप्पो दोनों मान गए कि कछुआ ही ज्यादा स्ट्रांग है। नेवर डू व्हाट अदर्स कैन डू फॉर यू, जो काम आपके लिए दूसरा कर सकता है खुद मत करो। कछुए ने उन दोनों से मेहनत करवाई, लेकिन नाम उसने अपना कर लिया, क्रेडिट वो लेके चला गया। हमने पिछली वीडियो में निकोला टेस्ला की इन्वेंशंस में यही जाना था कि कैसे एडिसन ने उनसे काम करवाया। टेस्ला के दोस्त चार्ल्स बेस्लर ने उन्होंने टेस्ला को सलाह दी थी कि तुम थॉमस एडिसन के साथ में काम करो, लेकिन जैसे ही टेस्ला न्यूयॉर्क गए और एडिसन से मुलाकात करी तो एडिसन ने टेस्ला को नौकरी पर रख लिया। टेस्ला दिन रात 18-18 घंटे काम करते हैं। एडिसन जानते थे कि इतना बड़ा टास्क है कि वो सालों तक पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने टेस्ला से अपना काम करवाया। एडिसन ने टेस्ला से $50,000 का लालच देकर भी काम करवाया था, जिसके पैसे भी नहीं दिए थे। टेस्ला के बनाए हुए एसी करंट से ही आज पूरी दुनिया चल रही है, पर उस वक्त उनकी खोज पर दूसरे साइंटिस्ट आ गए थे क्रेडिट लेने। इनके साथ कई चालाकियां हुई, कई टीम पॉलिटिक्स हुई। एक बार उन्होंने अपने पेटेंट्स $216,000 में ही बेच दिए थे, जबकि उस वक्त उसकी कीमत $12 मिलियन थी। मार्कोनी नाम को हमेशा रेडियो इन्वेंशन के साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग जानते हैं कि ये खोज टेस्ला की थी, पर इसमें भी टेस्ला का ना नाम हुआ और ना इनका पैसा बना था। टेस्ला ना अपनी खोजें अपने नाम के साथ में लॉन्च कर पाए और ना ही पैसा बना पाए, इसीलिए बुढ़ापे में इन्होंने गरीबी में वक्त बिताया। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ टेस्ला पर, मैंने कंप्लीट 20 मिनट की वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखो, आपको साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की दिमाग हिला देने वाली खोजें पता लगेगी। दरअसल वो मानते थे कि साइंस में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और वो क्रेडिट या पैसे के लिए कुछ करते नहीं थे, क्योंकि वो पैसा और नाम पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ काम करने में ध्यान देते थे, जिसकी वजह से इनको गरीबी और तकलीफें मिली। अब क्योंकि वो अपना नाम बड़ी बड़ी डिस्कवरीज के साथ में नहीं जोड़ते थे और उनका नाम फेमस नहीं हो रहा था, लोगों को लग नहीं रहा था कि ये खोज करते हैं, इसलिए इनको इन्वेस्टर्स और फंड देने वाले लोग नहीं मिलते थे जिस पर वो काम कर सके, और दूसरे ही इनके आइडियाज चुरा कर लॉन्च कर रहे थे जिनके पास में पैसा था और बिजनेस माइंडसेट था। एक और इनकी ये मेंटालिटी थी कि वो सब कुछ खुद से करना चाहते थे। कई लोग खुद से करने की जिद में लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर पाते हैं। वही एडिसन कहते थे कि उन्हें मैथमेटिशियन होने की नीड नहीं है, क्योंकि वो काम तो वो किसी को हायर करके भी करवा सकते हैं जो उस काम में बेस्ट हो, और उन्हें चाहिए तो वो कॉम्पिटिटर्स के आइडियाज को भी चुरा लेते थे, जिसको बोलते हैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। एक ग्रेट आर्टिस्ट जो होता है वो छोटे छोटे बहुत सारे आइडियाज मिला करके खुद का अपना आइडिया बना लेता है, बल्कि जो गुड आर्टिस्ट होता है वो बस केवल कॉपी करता है एज इट इज। गाइस आप भी ठीक इसी तरह से चालाकी और क्लेवरनेस सीख सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आपको इसलिए नहीं सीखना है कि आप दूसरों को दबाओ, आपको ये इसलिए सीखना है ताकि लोग आपको ना दबा सके। और ये क्लेवरनेस बढ़ाने के लिए आप कुकू एफएम पर ऑडियो बुक सुन सकते हो, चाणक्य नीति। चाणक्य ने अपने कनिंग और इंटेलिजेंस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट किए हैं, और ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि आपको ये ऑडियो बुक्स भी पसंद आएगी, चाणक्य का राज। इस ऑडियो बुक में आपको चाणक्य की कई स्ट्रेटजीज आपको मिलेगी। एक और है चाणक्य और जीतने की कला, इसमें चाणक्य के कई सिद्धांत आसान भाषा में समझाए गए हैं। ये सारी ऑडियो बुक्स ऐसी है कि आप इनको कभी भी और कहीं भी सुन सकते हो, जो सुनने में भी इंटरेस्टिंग है और आपकी लाइफ भी बेटर होती है। बस आपको ऑडियो बुक्स को पूरा सुनना है, आपको बीच में छोड़ना नहीं है, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है ना वो घातक होता है। इसके अलावा और भी कई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आपको ऑडियो बुक्स मिल जाएगी कुकू एफएम प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 50% ऑफ का कूपन कोड भी आपको वहां पे दिख जाएगा, जिस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद में फर्स्ट मंथ की मेंबरशिप में आपको केवल ₹49 ही पे करने हैं। और ये सारी ऑडियो बुक्स जिनके मैंने नाम लिए हैं इनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आ जाओ अपनी वीडियो की तरफ। अभी तक वीडियो में हमने दो एंगल्स जाने हैं। पहला ये कि जो भी काम आपके हाथ से हो रहा है उसमें आप सिर्फ काम के अंदर ना घुसे हुए रहो, बल्कि उसमें अपना नाम, अपना क्रेडिट और अपना पैसा बनाने में भी ध्यान दो, ना कि ग्रेट साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की तरह आप सोचो कि क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये बचपना है ना कि समझदारी। आपको अपने लिए क्रेडिट सिक्योर करना होगा और दूसरे लोगों को इसे चुराने से बचाना होगा। अपना जो सीक्रेट है वो लोगों से छुपाना होगा जब तक कि वो पूरा हो ना जाए, जैसे कि
कि जेफ बेजोस ने AWS सर्वर का प्रॉफिट काफी सालों तक दुनिया से छुपा कर रखा, जब तक वो अपने पूरे पैर न जमा ले मार्केट में। फिर पता लगा जेफ बेजोस AWS से इतना पैसा बना रहे हैं, उसके बाद गूगल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी AWS जैसा सर्वर लॉन्च कर दिया। ये तो था कि अपने काम को चोरी होने से आपको बचाना है। सेकंड लेसन है कि दूसरे लोगों के वर्क और मेहनत का प्रॉफिट लेने का एक तरीका होता है, जिसको आप एथिकल तरीके से भी कर सकते हो क्रेडिट देते हुए, क्योंकि वक्त कीमती है और जीवन बहुत छोटा है। आप सब कुछ खुद से नहीं कर सकते। अगर आप सब कुछ अपना ओरिजिनल बनाना चाहते हो और सब कुछ अपने बल पर करना चाहते हो, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, एनर्जी वेस्ट करते रहोगे और आप अपने आप को जलाते रहोगे, बहुत कुछ नहीं बना पाओगे। मेरा ही एग्जांपल ले लो, आप जो बातें मेरे से सुन रहे हो भी, वो मैंने 48 Laws of Power बुक से ली है, जिसकी रिसर्च इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने करी है। ये सारी बातें आपको इस बुक में मिल जाएगी, मैं बस अपना एड ऑन करके इसको इजी करके आपको बता रहा हूं। तो क्या ये कॉपी हुई या गलत हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी ऑथर का नाम और ज्यादा फेमस कर रहा हूं। अगर किसी को पसंद आ रही है ये बातें, तो वो हो सकता है कि इस बुक को पूरी पढ़ने के लिए इसको खरीदेगा भी, तो इससे इस बुक के ऑथर की सेल्स भी बढ़ रही है। इनफैक्ट मैं कई वीडियोस में बुक के ऑथर का नाम टाइटल में भी रखता हूं। ऑथर को फायदा जाने के साथ में मेरी ऑडियंस को भी फायदा ये हो रहा है कि मेरी ऑडियंस को आसान लैंग्वेज में बिना बुक्स पढ़े ज्ञान मिल रहा है, तो मैं आपके लिए एक जरिया बन गया हूं उस बुक को बिना पढ़े समझाने का। थॉमस एडिसन तो साफ बोलते थे कि एवरीबॉडी स्टील्स इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आई हैव स्टोलन अ लॉट मायसेल्फ बट आई नो हाउ टू स्टील। कॉमर्स इंडस्ट्री में तो सब चुराते हैं, मैंने भी काफी आइडियाज चुराए हैं, पर मुझे पता है कि चुराना कैसे। द वर्ल्ड ऑफ पावर हैज डायनेमिक्स ऑफ द जंगल। जंगल में ऐसे जानवर भी होते हैं जो शिकार करके जीते, जैसे कि शेर, चीता, और हाइनस और वल्चर्स जैसे जानवर भी होते हैं जो दूसरों के किए गए शिकार पर जीते हैं। ये जानवर लेस इमेजिनेटिव टाइप ऐसे काम करने में इनकैपेबल होते हैं जो पावर बनाने के लिए जरूरी होता है। ऐसे जानवर जल्दी समझ लेते हैं कि अगर वो थोड़ा सा और इंतजार करे तो वो हमेशा किसी दूसरे जानवर को अपने काम के लिए ढूंढ सकते हैं। बोले मत बनो, आज भी ऐसे कई वल्चर्स इस समय आप जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका क्रेडिट छीनने के तरीके ढूंढ रहे हैं। यहाँ किसी से शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, बेहतर होगा कि आप अपना क्रेडिट सिक्योर करो, और अगर आपका कोई काम ले भी रहा है तो मेक श्योर करो कि वो आपको क्रेडिट दे। और एक बार जब आपने पावर का बेस एस्टेब्लिश कर लिया, आप बाप आदमी बन चुके हो, उसके बाद में आप भी वल्चर बन जाओ, मतलब कि आप भी दूसरों से काम करवा के अपना टाइम और एनर्जी को सेव करो। अब इसका दूसरा हिस्सा सुनो, जो हम समझेंगे एक्सप्लोरर वास्को नुनेज दे बल्बाओ के एग्जांपल से। बल्बाओ का एक ऑप्शन था एल डोराडो की डिस्कवरी करना, अ लेजेंडरी सिटी ऑफ वास्ट रिचेस। 16th century की शुरुआत में बहुत मेहनत के बाद बल्बाओ ने मेक्सिको के साउथ में एक ग्रेट और वेल्दी एम्पायर के एविडेंस को निकाला, जिसे आज पेरू के नाम से जाना जाता है। इस एम्पायर द इनाक को कॉन्कर करके और उसके सोने को कब्जे में करके वो खुद का अगला कोटस बनाने वाला था, जिसको आज कोहट बोलते हैं, यानी एक तरह के लोगों का ग्रुप या कल्ट बनाना। समस्या यहाँ पे ये हो गई कि उसने जो खोज की थी, इस खोज के बारे में आधी दुनिया को पता चल गया था, उसने बात ये छुपा के नहीं रखी। बल्बाओ ने समझा नहीं कि खेल का आधा हिस्सा ये था कि ये बात छुपा कर रखनी थी। कुछ साल बाद जब उसने इनकान एम्पायर की लोकेशन को ढूंढ निकाला, तब उसी के सेना का एक सोल्जर फ्रांसिस्को पिजारो ने बल्बाओ का सर राजद्रोह के नाम पर कटवा दिया, और फ्रांसिस्को पिजारो ने उस चीज को हासिल कर दिया जो बल्बाओ ने इतने साल तक ढूंढने की कोशिश करी थी। यानी जब भी आप काम करो तो टेस्ला और बल्बाओ की तरह नहीं करना है, आपको अपने सीक्रेट्स और खोज को बचा कर रखनी है। इस जगह पर पीटर रूबेंस ने स्मार्ट खेला। पीटर रूबेंस ने एक सिस्टम बनाया, अपने बड़े स्टूडियो में कई खतरनाक पेंटर्स को नौकरी पर रखा। इनमें से कोई एक रोब्स में, जो वस्त्र होते हैं उसमें स्प्लैश था, कोई बैकग्राउंड में था, सबकी अलग अलग कला थी। रूबेंस ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें एक साथ कई कैनवास पर काम होता था। ऑर्केस्ट्रा की तरह बस रूबेंस बताते थे कि क्या करना है, जैसे ऑर्केस्ट्रा प्ले करने वाला खुद म्यूजिक प्ले नहीं करता है, म्यूजिशियंस प्ले करते हैं, वो बस बताता है। और जब कोई भी इंपॉर्टेंट क्लाइंट स्टूडियो में आता तो रूबेंस अपने सारे पेंटर्स को उस दिन के लिए बाहर भेज देता। जब क्लाइंट बालकनी से देखते तो रूबेंस पूरे पैशन के साथ में काम करते हुए नजर आते हैं। क्लाइंट चौंक जाते कि एक इंसान इतने कम वक्त में इतने सारे मास्टरपीसेस कैसे बना सकता है। और यही इस वीडियो का मेन एसेंस है। स्टीव जॉब्स मूवी में, जॉब्स मूवी नहीं कह रहा हूं मैं, स्टीव जॉब्स जो मूवी है उसमें एक सीन है, वॉजनियाक जब स्टीव जॉब्स से पूछते हैं कि यार तुम एक किल तक ठोक नहीं सकते हो, तुमने क्या ही किया है, ग्राफिकल इंटरफेस तुमने नहीं बनाया, मदरबोर्ड तुमने नहीं बनाया, हार्डवेयर तुमने नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर तुमने नहीं बनाया, डिजाइन तुमने नहीं बनाई, सब कुछ किसी और ने बनाया, लेकिन हर जगह सुनने में आता है कि स्टीव जॉब्स एक जीनियस आदमी है। वॉजनियाक बोलता है कि तुम करते ही क्या हो। स्टीव जॉब्स रिप्लाई में बोलते हैं, मैं ऑर्केस्ट्रा प्ले करता हूं, तुम एक अच्छे म्यूजिशियन हो, जाओ अपनी रॉ में बैठो। स्टीव जॉब्स ने ऑर्केस्ट्रा एज अ मेटाफर यूज कराया, वो कहना चाहते थे कि वो सोल है, पूरे प्लानिंग की वो आत्मा है। जैसे ह्यूमन बॉडी में आत्मा का रोल दिखाई नहीं देता है, पर वो ना हो तो बॉडी भी काम की नहीं है। इसीलिए जब स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाला गया था, उसके बाद में एप्पल में खोजें होनी बंद हो गई थी, इन्वेंशन होनी बंद हो गई थी। लर्न टू गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू व्हाइल यू टेक द क्रेडिट। अगर आपको लगता है कि सारे काम मेरे हाथ से होने चाहिए, मैं खुद देख के अच्छे से परख के करूंगा, तो आप कभी भी लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। अब दूसरों की मेहनत को यूज करने का एक फेयर तरीका भी सुनो, जो आपको पैरासाइट नहीं बनने देगी, यानी कि जिससे आप काम चोर नहीं लगोगे। और वो फेयर तरीका है यूज
पास्ट, इतिहास की इंफॉर्मेशन को यूज करो, जो एक बड़ा स्टोर हाउस है नॉलेज और विजडम का। इस पृथ्वी पर अब तक लोग कितना कुछ करके जा चुके हैं, उनके वर्क या नॉलेज को आज के वक्त में यूज करो। आइजक न्यूटन कहते हैं स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ की काफी डिस्कवरीज दूसरों की ग्रेट अचीवमेंट्स पर करी है। उनके जीनियस होने का बड़ा हिस्सा उनकी एबिलिटी ऑफ एंशिएंट मेडिवल और रिनेसेंस साइंटिस्ट के इनसाइट को यूज करना था, यानी कि वो पुराने साइंटिस्ट की खोजों को, उनके काम को, उनकी रिसर्च को ही यूज करते थे अपने काम के लिए। शेक्सपियर ने भी प्लॉट, कैरेक्टर्स, डायलॉग्स तक प्लूटार्क से बोरो किए थे। सालों के बाद भी कितने ही राइटर्स ने शेक्सपियर की राइटिंग से चीजें बोरो की है। हम सब लोग ये जानते हैं कि आज के पॉलिटिशियंस में से कितने ही लोग खुद अपनी स्पीच नहीं लिखते हैं, एक्सपर्ट लोग उनकी स्पीच लिखते हैं। कई बुक्स गोस्ट राइटिंग करके लिखवाई जाती है सेलिब्रिटीज, या फिर कितने ऐसे लोग होते हैं जो खुद नहीं लिखते हैं, किसी और से लिखवा कर अपने नाम से वो बुक पब्लिश करते हैं, जिसको गोस्ट राइटिंग बोलते हैं। दूसरों से काम करवाना भी एक आर्ट है, उसको अपनी बात समझा कर वो काम करवाना जो लॉन्च करके चलेगा भी, ये भी एक आर्ट है। और ये एक ऐसी पावर है जो हर इंसान को मिली होती है, हर इंसान के लिए अवेलेबल है। आप खुद देखो, कई राइटर्स जो ह्यूमन नेचर की गहराई जानने में डूबे हुए हैं, एंशिएंट मास्टर्स, किंग्स, क्वींस, इन लोगों ने बहुत मुश्किल से पावर को हैंडल करना सीखा। उनकी सारी नॉलेज युद्ध में पड़ी हुई है, एक कहानी में पड़ी हुई है। उनकी होशियारी और समझदारी आपकी बन सकती है, उनकी स्किल्स आपकी स्किल्स बन सकती है। जो कुआं ऑलरेडी खुदा हुआ है उसी से पानी निकाल लो, खुद का कुआं मत खोदो, नहीं तो आप लाइफ में लगे हुए रहोगे एंडलेस मिस्टेक्स करने में, एक्सपीरियंस खुद से लेने में, फिर से कोशिश करने में, और ऐसे ही आप समय और एनर्जी बर्बाद करते रहोगे। या फिर आप पास्ट की नॉलेज को इस्तेमाल करो, जैसा कि बिस्मार्क ने एक बार कहा था, फूल्स से दैट दे लर्न बाय एक्सपीरियंस, आई प्रीफर टू प्रॉफिट फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, यानी कि मूर्ख कहता है कि मैं खुद से एक्सपीरियंस करके सीखूंगा, लेकिन बिस्मार्क प्रीफर करते हुए कहता है कि मैं तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखूंगा। पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि कभी कभी दूसरों के किए हुए काम का क्रेडिट लेना आपकी समझदारी नहीं होगी, आपकी पावर एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए उसको। यानी आप बड़े आदमी नहीं हो तो ऐसा देखिएगा कि आप लोगों की लाइमलाइट छीन रहे हो। किसी के टैलेंट को अपना टैलेंट बनाने के लिए आपकी पोजीशन अनशेकेबल होनी चाहिए, वरना आप धोखेबाज कहलाओगे। एग्जांपल के लिए, अगर सलमान खान साउथ की मूवी को एज इट इज कॉपी भी कर लेंगे तब भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई पहली बार कोई एक्टर मूवी बना रहा हो और वो भी पूरी एज इट इज कॉपी कर रहा हो, तो उसको हम कॉपी की नजर से देखेंगे। इसलिए कहां से क्रेडिट लेना है और दूसरा किसको अपना क्रेडिट भी लेने देना है, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार आप अपना क्रेडिट किसी और को लेने दोगे तो इससे आपका पर्पस फुलफिल हो सकता है। जब आपके ऊपर भी मास्टर हो और आपने वो काम किया है तो उसको क्रेडिट देने में लालच मत करो। प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के हिस्टोरिक विजिट टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना उनका खुद का आइडिया था, लेकिन हेनरी किसिंगर जो कि पोजीशन में वो छोटे थे उनसे, उनके डिप्लोमेटिक स्किल के बिना ये सफल हो ही नहीं पाता। पर जब क्रेडिट लेने का समय आया तो किसिंगर, क्योंकि उनके सामने छोटे थे, तो किसिंगर ने चालाकी से निक्सन को मैक्सिमम शेयर लेने दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। वो जानते थे कि सच्चाई बाद में सामने आ ही जाएगी। किसिंगर ने इस खेल को बड़े चालाकी से खेला, उसने अपने नीचे के लोग जो खुद के जूनियर है उनका काम का क्रेडिट लिया और बड़े ही दयालु से अपने स्किल्स, अपने काम का क्रेडिट अपने से ऊपर वालों को लेने दे दिया। यही तरीका होता है इस खेल को खेलने का। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको निकोला टेस्ला वाली वीडियो भी जरूर देखनी चाहिए, जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कुकू FM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।